हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो वाइस वेसल के पार्ट टू में आपका स्वागत है। तो इस पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जो ले होता है वो अपने रूम से भाग रहा होता है और उसे भागते हुए एक नर्स देख लेती है और वो जो है गार्ड्स को बुला देती है उसको पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे गार्ड्स उसको पकड़ देते हैं, बेचारा बहुत मुश्किल से तो भागने को मिलता है उसको, लेकिन फिर भी वो पकड़ा जाता है। बेचारा बहुत कोशिश कर ही रहा होता है कि वो किसी तरह बच जाए और यहाँ से भाग निकले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। एक नर्स उसे सब करते हुए देख लेती है और उसे वापस ले जाके बेड पे लिटा दिया जाता है। तभी उसके फ्रेंड्स आते हैं और उसे टीज नाम से बुलाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ले है उसकी बॉडी से सोल जिस बॉडी में ट्रांसफ़र हुई होती है, उस लड़के का नाम, पूरा नाम तो टेलाया होता है, लेकिन उसका जो फ्रेंड होते हैं उसे उसके निकनेम टीज से बुलाते हैं, तो हम इस सीरीज़ में उसको टीज ही बोलेंगे। तो उसके फ्रेंड आते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं। तो टीज जो होता है उसे बहुत ही सस्पेंस नज़र से देख रहा होता है, क्योंकि वो लोगों को पहचान नहीं रहा होता है। तभी उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है कि टीज को परेशान मत करो। तो उसका पहला फ्रेंड बोलता है कि जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम उन लोगों को अच्छे से मदद सिखाएंगे जिन्होंने तुम्हें मारा है। टीज उनसे पूछता है कि क्या हम फ्रेंड हैं। तो जो उसका पहला फ्रेंड होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। एक्चुअली क्या होता है ना कि उसकी मम्मी ने जो होता है उसकी फ्रेंड को बताया होता है कि उसने पहले भी इस तरह का घटिया नाटक किया होता है, तो इसलिए उस पर हंस रहा होता है। वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, और वो उसे अल्कोहल देता है और बोलता है कि जब तुम बोर हो तब तुम इसे पी लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम शराब ना मिलने की वजह से पागल हो जाओ। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि जो है मेरे पापा मुझे दोबारा बाहर ले जाना चाहते हैं। तो उसका पहला फ्रेंड बोलता है कि तुम कब से अपने पापा से डरने लगे। तो दोस्त बोलता है कि डरो मत, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने पिछले 4 साल से अपनी यूनिवर्सिटी की स्टडी कंप्लीट नहीं की है, नहीं तो आज हम अपनी फैमिली के बिजनेस में जोता लगे हुए होते। तो टीज बोलता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो उसके टीज एक्चुअली पूछता है कि ये क्विकल क्या है, क्योंकि वो जो होता है वो अपना नाम सर्च कर रहा होता है और उसे क्विकल पर अपना नाम नहीं मिलता है, और वो पूछता है कि हमारा गूगल कहाँ पे है। आपको पता है कि दोस्त तो कमीने होते ही हैं, तो वो मतलब थोड़ा सस्पेक्टिक होकर देखता है, पूछता है कि गूगल क्या है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ क्विकर पर नहीं मिल रही है तो तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिल सकती, तुम इसे कहीं पर भी नहीं ढूंढ सकते हो। तभी टीज पूछता है कि बैंकॉक की फिल्म कंपनी के बारे में तुम कुछ जानते हो, क्या वह कंपनी अभी भी एग्जिस्ट है। तो उसका दोस्त ऐसे पूछता है कि हैं ये कोई फिल्मिंग कंपनी है क्या, मैंने इस कंपनी का नाम कभी नहीं सुना। तब टीज बोलता है कि ये टॉप 1 फिल्मिंग कंपनी है इस कंट्री की। उसका फ्रेंड बोलता है कि टीज मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपनी है जिसने 16 पिक्चर्स बनाए हैं, और वो जो कंपनी है वो तुम्हारे पापा की कंपनी है। ऐसा बोलकर ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा हंस रहे होते हैं और जैसे टीज का मजाक उड़ा रहे होते हैं। आपको पता है दोस्त कितने कमीने होते हैं। तभी जो होती है नर्स आती है और उन लोगों से बोलती है कि मुझे पेशेंट्स का एक्सरे लेना है, तो मैं उसे बाहर ले जा रही हूँ। नर्स टीज से बोलती है कि तुम बहुत ही जल्दी रिकवर हो रहे हो। तो जो टीज होता है पूछता है क्या सच में, तो टीज बोलता है कि मैं यहाँ पे पागल हो रहा हूँ, रिकवर नहीं हो रहा। तो नर्स बोलती है कि तुम अपने दोस्तों के साथ बहुत ही मजाक करते हुए हैप्पी दिख रहे थे। तो टीज बोलता है क्या मैं तुम्हें मतलब हंसी मजाक करते हुए दिख रहा दिख रहा था। तो वो उससे नर्स से पूछता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। टीज पूछता है कि क्या तुम मिरेकल्स में बिलीव करती हो, क्या हो अगर कोई इंसान मर जाए और उसकी बॉडी जो है वो किसी दूसरे इंसान की बॉडी के साथ चेंज हो जाए। तो ये सुनकर जो नर्स होती है वो थोड़ा हंसती है और कहती है कि हाँ मैं इन सब बातों पर बिलीव करती हूँ, ऐसा होता है, तुम सही हो। तो जो टीज होता है वो सोचता है कि मतलब थोड़ा घबराता है और कहता है तुम सोच रही होगी कि मैंने अपना संतुलन खो दिया है। तो नर्स बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, एक्चुअली मुझे लगता है कि तुम टीज नहीं हो, तुम कोई और हो और तुम किसी और की बॉडी में जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए हो। ये सुनकर जो होता है टीज थोड़ा सा सरप्राइज होता है। तब नर्स उसे बोलती है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ होगा और जब तुम उठे होगे तब तुम दूसरे की बॉडी में रहे होगे, इस दुनिया ये दुनिया तुम्हारे घर जैसी लग रही होगी, लेकिन ये वास्तविकता में तुम्हारा घर नहीं है। और उसको थोड़ा सा तसल्ली देती हुई बोलती है कि तुम अकेले नहीं हो जो ऐसा मानते, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि जो है, वो बोलती है कि सिर्फ शरीर का फेरबदल नहीं होता है बल्कि एक नई बॉडी के जरिए दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करना होता है। अब ये सब कुछ तो टीज के समझ में आ नहीं रहा होता है, तो बहुत ही सस्पेक्टिव मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज टाइप का होता है यहाँ पे। तो
टीज उससे बोलता है कि मुझसे बहुत ही ज़्यादा पोटेंटली बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो नर्स बोलती है कि ठीक है। फिर नर्स उससे बोलती है कि वैसे मेरा नाम पुआदो है, और मैं जो है एक कार से मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद, और मेरी सोल इस यूनिवर्स में एक फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र होकर चली गई। ये सुनकर जो टीज होता है वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है। क्या यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दो यूनिवर्स के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं? तो जो डॉक्टर होती है वो बोलती है कि हाँ, एक साल में कम से कम दो ऐसे पीपल होते हैं जिनको मैं जानती हूँ, इस हॉस्पिटल में मिलते हैं, बाकी को मैं नहीं जानती हूँ कि अगर कोई और भी हो तो। टीस पूछता है क्या उनमें से कोई भी वापस अपने यूनिवर्स में जा सका है। मैं अपने यूनिवर्स में जाना चाहता हूँ, मुझे अभी जस्ट ही एक नई जॉब लगी हुई है। तो जो है तो नर्स उसे कहती है कि शांत रहो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम से मतलब थोड़ा कूल करो। वो बोलता है कि मैं एक कलरिस्ट हूँ। तो नर्स पूछती है क्या तुम कलर्स को मिक्स करते हो, जैसे कि तुम क्या, पूछती है कि तुम्हारा जॉब क्या है, तुम क्या करते हो कलरिस्ट का। तो वो पूछती है क्या तुम घर ड्यू टू कॉपीराइट हर कलर करने के लिए क्या पेंट बनाते हो? तो जो टीज होता है कहीं कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं एक्चुअली जो फिल्म्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, उनमें कलर्स को एडजस्ट करता हूँ, जैसे कि फ़ोटो एडिट करना हुआ, इस तरह का काम जो है वो करता है। टीज पूछता है क्या तुम मुझे बताओगे कि हम घर कैसे जा सकते हैं अगर ये पॉसिबल हो तो? तो कहती कि हाँ, हम घर जा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मतलब टाइम लगेगा। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुमको एक दूसरी जगह पर लेकर जाऊंगी। तो जो है हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। टीज अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर पे आया होता है, क्योंकि उसे तो पता नहीं होता कि वो कहाँ पे आया है। तो सारी चीज़ों को बहुत ही मतलब ऐसे पागलों के जैसे देख रहा होता है। तो उसकी मम्मी जो होती हैं उसे बोलती हैं कि तुम ऐसे पागलों के जैसे बिहेव मत करो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम जो है दोपहर की क्लास मिस कर सकते हो, क्योंकि दोपहर को उसकी क्लास होती है, और उसको रेस्ट करने के लिए बोलती हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि नहीं, तुमको दोपहर की क्लास में जाना है, और इसके बाद मैं जो है एक लड़के को भेजूंगा जो तुम्हारा सिटी स्कैन करवाने के लिए तुम्हें ले जाएगा, क्योंकि तुम मुझे बहुत पागल जैसे दिख रहे हो। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तुम रेस्ट करो और अपना ध्यान रखना, ऐसा कुछ बोल के। तो अब पूरा घर तो टीज़ के लिए नया होता है, तो टीज़ जो होता है वो पूरे घर की हर एक चीज़ को देखता है। बेडरूम में जाता है, बेड को देखता है, कबर्ड में जाता है, कपड़ों को देखता है, नए नए कपड़े होते हैं, वो सब चीज़ों को ट्राई कर रहा होता है, और मतलब देख रहा होता है कि ये सब क्या है क्या नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसकी बॉडी तो जो है मतलब उसकी सोल जो दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हुई रहती है, लेकिन वो नई नई चीज़ों को देख कर थोड़ा एक्साइटेड रहता है। तो बस वो मज़े ही ले रहा होता है पूरे घर में कि क्या क्या नहीं है क्या नहीं है। फिर उसको जो है नर्स का कॉल आता है, और नर्स उसे अपने साथ पिक करने आ जाती है। टीज बोलता है कि कल मेरे पापा मेरा सिटी स्कैन करवाना चाहते हैं, तो तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? तो जो नर्स होती है बोलती है क्या तुम्हारे पापा तुम्हारा सिटी स्कैन करवाने वाले हैं? तो जो टीज़ होता है, नर्स बोलती है कि मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जा रही हूँ जहाँ पे अगर अगर तुम्हें इस यूनिवर्स में रहना है तो तुम्हें उसके बारे में जानना चाहिए। यहाँ पे एक गे कपल को दिखाया जाता है जो बाइक पे जा रहे होते हैं। तो नर्स उससे बोलती है कि उनको जाने दो, रिलैक्स करो और उनको एक अच्छा टाइम बिताने दो। तो जो टीज़ होता है वो बोलता है कि टीज़ बोलता है कि हमारे इस यूनिवर्स की कंट्री में BL मैरिड अलाउड है। तो जो नर्स होती है वो उसको मुस्कुराते हुए देखती है, और यहाँ पे जो ड्यू टू कॉपीराइट चीज़ होता है वो फिर से थोड़ा सा हैरान परेशान हो जाता है। तो वो बोलता है कि हमारी कंट्री कितनी बदल चुकी है। तो जो वो नर्स होती है और जो टीज होते हैं वो दोनों उस प्लेस पे पहुंच जाते हैं जहाँ के लिए निकले हुए होते हैं। जो नर्स होती है उस प्लेस को एक पासवर्ड से खोलती है, और दोनों उस प्लेस के अंदर जाते हैं। दोनों लिफ्ट में जाते हैं, और टीज जो होता है वो थोड़ा सा अभी भी घबरा ही रहा होता है। तो जो नर्स होती है उसको कहती है, उसको शांत रहने के लिए बोलती है, और फाइनली वो लोग अपने प्लेस पे पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे जो होती है वो नर्स होती है वो टीज को अंदर लेके जाती है, और वहाँ पे बाकी रह रहे लोगों से मिलाती है। तो वहाँ पे एक लड़की जो होती है वो टीज को देखती है और टीज का वेलकम करती है, और वहाँ पे मतलब सबसे मिलाती है, और उसको देखकर थोड़ा मुस्करा रही होती है, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन मुस्कुरा रही होती है। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, चूंकि ये मेरा नया यूट्यूब है तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए।